Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. आज हम लेक्चर 25 में अपनी जो जिस बारे में बात करेंगे दैट इज अगेन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन. ये आपकी ब्रीफ कोर्स आउटलाइन का पार्ट 3 और 4 है और हम लोगों ने जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था फिफ्थ स्टेप पे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं प्राइस सेटिंग के. दिस इज द सेम लेक्चर एजेंडा जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 23-24 में डिस्कस किया था. आज भी उसी लेक्चर एजेंडा को साथ लेके चलेंगे. सो हम लोगों ने मार्कअप प्राइसिंग की बात कर ली थी. मार्कअप प्राइसिंग के बाद जो हमारे पास मेथड है जिससे हम लोग प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं दैट इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग. यानी कि हम लोग एक टारगेट सेट कर लेते हैं, उस टारगेट के मुताबिक हम कहते हैं कि हमें इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए. मार्कअप प्राइसिंग की जब हमने बात की थी तो हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट पे एक मार्कअप रख दिया था, यानी कि हमें 20% प्रॉफिट चाहिए था. लेकिन आज जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, यानी कि हम लोगों ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है उस पे हमें कितना रिटर्न चाहिए, और फिर हम इसलिए इस प्राइसिंग को टारगेट रिटर्न प्राइसिंग कहते हैं. ये इस किस्म की प्राइसिंग ऐसे मौकों पे की जाती है जब आप कोई प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं. आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं, किसी कस्टमर के लिए कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस उन केसेस में आप अपनी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है उसका रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके ज़रिए रिटर्न के ज़रिए आप अपनी टोटल कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं. इस मेथड को यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज़ योर डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट चाहिए, 10% चाहिए, 20% चाहिए, ये आपने डिसाइड आपको डिसाइड कर लेना चाहिए. देन द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी यूनिट कॉस्ट क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. यूनिट कॉस्ट हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट की थी. और देन यूनिट सेल्स कितनी है, यानी कि आप एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी देख रहे हैं फ्यूचर में. तो जस्ट टू रिवाइज, हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट जो है टारगेट मार्केट प्राइसिंग के केस में हम देख रहे हैं, तो हम यूनिट कॉस्ट पहले हम कुछ चीज़ें जो हमने पहले से ज्यूम की हुई थी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट इज़ 10 एंड दिस वेरिएबल कॉस्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो ये हमारे पास 10 रुपये है. देन हमारी जो एक्सपेक्टेड सेल है That is 50,000 और हमारी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 300,000. यूनिट जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है वो कैलकुलेट करने का वही तरीका है, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट is equal to VC plus fixed cost divided by your your expected sales. तो हम लोगों ने ये पहले भी कैलकुलेट किया था. VC जो हमारे पास थी per unit that was 10 rupees प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 300,000 है डिवाइडेड बाय जो आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स है दैट इज 50,000 और ये टोटल आपके पास बन जाएगा
16 rupees per unit. This is your unit cost. अब हम लोग यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा रिटर्न जो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है. वंस यू हैव कैलकुलेटेड योर पर यूनिट कॉस्ट, फिर हम जिस चीज की तरफ जाते हैं दैट इज योर टारगेट रिटर्न. हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट रिटर्न क्या होगा. इस केस में लेट्स जस्ट से हम लोगों ने अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है which is called ROI, वो सेट किया है 20% पे, और हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है जिसको आप कैपिटल, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है जिसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, दैट इज 1 million, यानी 10 लाख रुपए. तो इस हिसाब से हम जो रिटर्न कमाना चाहते हैं दैट इज 2 लाख, यानी 200,000. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पर यूनिट कॉस्ट में, यानी कि हम लोगों का क्या पर यूनिट कॉस्ट हो तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% कमा सकते हैं. उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है टारगेट रिटर्न इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है विच इज 16 रुपीज, प्लस वी हैव desired return जो हम लोगों ने सोच लिया है कि 20% होगा into investment, या इसको इन्वेस्टेड कैपिटल भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय आपकी यूनिट सेल्स. ये आपकी एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स हैं जो हम लोगों ने पहले ही से हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि 50,000 है. सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हमारी कॉस्ट 16 थी, डिजायर्ड रेट हमारे पास 20% था, के इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये 0.20 है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है हम लोगों ने 1 million की हुई थी, विच इज दिस बिकम्स 1 million, एंड फाइनली 50,000 हमारा यू एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट थे. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 रुपीज. यानी कि अगर हम हमारी यूनिट जो कॉस्ट सेल्स है वो 20 रुपीज हो तो हम 2 लाख रुपए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी 20 रुपीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं. इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम एक टारगेट रिटर्न सेट कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम अपना यूनिट कॉस्ट सेट करते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड हम ये डिटरमिन कर सकें कि हम लोगों ने वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया है या नहीं. अच्छा, द क्वेश्चन इज कि ये जो हमने रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया है ये किस बेसिस पे डिसाइड किया है, यानी कि जो 20% हमने कहा कि 20% प्रॉफिट कमाना है, ये ही क्यों हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने 40% क्यों नहीं कहा, हमने 50% या 100% क्यों नहीं कहा. इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है समझती है कि से एक साल के लिए एक प्रोजेक्ट करना है, एक साल में 10% या 11% या 15% इन्फ्लेशन होगी,
इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो 1 मिलियन इन्वेस्टेड है, अगर हम वो पूरा कर भी लें तो वो 15% उसकी वैल्यू लेस होगी। आपने अपनी अकाउंटिंग में या फाइनेंस में टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। तो कंपनीज ये करती हैं कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उसके ऊपर 5 या 10% मार्कअप रख लेती हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि कुछ कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि इंडस्ट्री में कुछ डिफाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हर कंपनी उतना ही ले रही होती है। तो ऐसे केसेस में हम अपनी इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। देन कंपनी के कुछ अपने सर्टन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसने इन द लॉन्ग रन मीट करने होते हैं। उसके लिए हो सकता है कि किसी एक प्रोजेक्ट में उन्हें ज़्यादा कमाना पड़ेगा या फिर वो किसी एक प्रोजेक्ट में कम भी कमा लें तो वो अपने जो इंडस्ट्री अपने सॉरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर सकते हैं। तो वो किसी इन केसेस में ज्यादा या कम जो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रख सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं। उन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे आपके बिजनेस यूनिट्स हैं, अगर आप उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है या जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आप अगर इंक्रीज भी कर देंगे तब भी आप अपनी डिजायर्ड सेल्स जो हैं वो अचीव कर लेंगे। यानी कि जब आप अपना रेट ऑफ आप रिटर्न इंक्रीज करते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी डिमांड हो सकता है डिक्रीज कर जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब हम इन चीजों को कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में इसका इफेक्ट क्या होगा। दूसरी चीज जो हम देख सकते हैं वो आपकी मार्केट की स्टैंडिंग है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग हो कि अगर आप या आप जो काम करने जा रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं या जो फाइनल प्रोजेक्ट में जो आपकी आउटपुट है वो ऐसी है जो कोई और नहीं दे सकता, तो आप हो सकता है कि उस पे एक प्रीमियम चार्ज कर सकें और आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकें। सो दीज आर द कंसिडरेशंस जब आप टारगेट रिटर्न की बात करते हैं। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज बिफोर यू चार्ज अ प्राइस कि आपकी मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, आपके ये जो प्राइस है इससे क्या क्यूज मिलेंगे लोगों को, कस्टमर इसको कैसे वैल्यूएट करेगा। तो इन चीजों को जहन में रखने की जरूरत है। नाउ परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, इसको देखने से पहले एक और चीज हम देखना चाहते हैं, दैट इज ब्रेक इवन चार्ट फॉर डिटरमिनिंग टारगेट रिटर्न प्राइस एंड ब्रेक इवन वॉल्यूम। जरूरी नहीं है कि आपने जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसी में आप ब्रेक इवन अचीव कर लें, और जब आप ब्रेक इवन अचीव करेंगे आप अपनी कॉस्ट को अपनी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको मीट कर जाएं। हो सकता है कि आप अपनी से आपने एक्सपेक्टेड सेल रखी है 50,000, वो आप नहीं मीट करते, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हम 50,000 की जो जो टारगेट है वो कब अचीव करेंगे। उसके लिए हम इस एनालिसिस को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन में हम ये देखते हैं कि अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो वी हैव डॉलर्स ऑन वाई एक्सेस एंड सेल्स वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सेस। वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट जिसकी एक स्ट्रेट लाइन है, दिस मीन्स के ये जो कॉस्ट है ये आपको बेयर करनी पड़ेगी वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट विल बी देयर। तो इस वजह से इसको हमने एक फ्लैट लाइन से डिनोट किया है। दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देन
योर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज आपका, जब आपकी जीरो सेल्स होती हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू भी जीरो होता है। कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो रही है लेकिन रेवेन्यू आपका जीरो है। जब आप सेल करेंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड रेवेन्यू इज योर कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट। आप ये देख रहे हैं कि उसके साथ हमने टोटल कॉस्ट को भी लिया है। इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट को शो नहीं किया, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो टोटल कॉस्ट आपकी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। दैट मींस के दिस इंक्लूड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज द पॉइंट वे यू अचीव ब्रेक इवन। यानी कि इस केस में ना आप प्रॉफिट में जा रहे हैं और ना लॉस में जा रहे हैं, और इसको देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वक्त आप अपना ब्रेक इवन के बाद आप किस वक्त आप अपना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव कर सकेंगे। हमने ये देखा कि इस केस में जब आप 30,000 यूनिट सेल करते हैं तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है, यानी कि यू आर यू हैव कंप्लीटेड योर 1 मिलियन। जो आपने, हम लोगों ने जिस तरह डिस्कशन में कहा था कि हम लोगों ने 1 मिलियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो 1 मिलियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने पूरी कर ली है। अब आपने जो है उस पर प्रॉफिट कमाना है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज करती रहेगी, और जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपके पास आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो चुका होगा। यानी यहां पे आपने 200,000, सॉरी 10 इज मिसिंग, 200,000 अचीव कर लिया है। यहां पे आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर चुके होंगे। आपने ये देखा कि हम लोगों ने, जब आप 10,000 से फिर 20,000 एंड 30,000, यानी 3 हॉप्स में, तीन जो है हॉप्स में हम लोगों ने, यानी कि पहला हॉप आपका 0 से 10,000 यूनिट्स तक था, दूसरा हॉप आपका 20,000 तक था, और तीसरा आपका 30,000 यूनिट था। तो 3 जंप्स में आपने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, यानी 1 मिलियन अचीव कर लिया। लेकिन आप ये देखते हैं कि आपने जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 हॉप्स में कवर किया है, यानी कि आपने 10 लाख 3 हॉप्स में कवर कर लिया, लेकिन जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो सिर्फ आपने 2 हॉप्स में कंप्लीट किया। तो इसकी क्या वजह है कि 10 लाख तो आप 3 हॉप्स में करते हैं और 2 लाख के सिर्फ प्रॉफिट के लिए आपको 2 हॉप्स की जरूरत पड़ती है, यानी ऑलमोस्ट 1 हॉप लेस देन 10 लाख। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर हो रही है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो विच इज डिक्रीजिंग एट अ वेरी ग्रेजुअल रेट। आप ये देख रहे हैं कि यहां पे ये कैलकुलेट करने का तरीका है किसी भी जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप। तो यहां पे इसका स्लोप देखिए और इसका स्लोप देखें, तो स्लोप में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपको 2 हॉप्स लग रहे हैं, यानी कि यू हैव टू मूव फ्रॉम 30 to 40 एंड देन 50,000 पे आप जाके वो अचीव करेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कब तक हम जो है ये अपना टारगेट रिटर्न अचीव कर लेंगे। नाउ मूविंग बैक, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है। प्रसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग के का मतलब ये है कि हम वैसी प्राइसिंग करें जैसा कस्टमर एक प्रोडक्ट को प्रसीव कर रहा है। प्रसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। इसमें आप
आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज क्या है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कंपेटिटर से लोग कैसे कंपेयर करते हैं, आपके जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसको किस तरह वैल्यूएट करते हैं, कस्टमर क्या समझता है कि आपके प्रोडक्ट से उसको कितनी वैल्यू मिलती है। तो कस्टमर के माइंड को और उसके परसेप्शन को आप गेज करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी परसीव्ड वैल्यू क्या है, और आप अपनी प्राइसिंग उसकी परसीव्ड वैल्यू के मुताबिक करते हैं। इसमें एक बात, जब हम इनको कंपेयर करते हैं यानी कि मार्कअप प्राइसिंग और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग की, तो हम लोग इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि कंज्यूमर की जो प्राइस की वैल्यूएशन है वो उसकी परसीव्ड वैल्यू पे होती है। हम 20% से हम रिटर्न अपना रखते हैं और हम कहते हैं कि हम लोगों ने तो बड़ा मार्का मार लिया 20%, यानी कि हम लोगों ने 16 रुपये कॉस्ट थी, 20 रुपये का बेचा है, 4 रुपये प्रॉफिट कमाया, 20% हमारा मार्कअप था, हमने बहुत अचीव कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन हो सकता है कि कंज्यूमर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी उसको बहुत अच्छे तरीके से वैल्यूएट करता हो, उसको बड़ा हाई रैंक करता हो। ऐसे केसेस में आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, यानी कि बजाय 20 रुपए के बेचने के आप उसको हो सकता है 23 या 24 रुपए का बेच सकते हैं, यानी कि आप 7 से 8 रुपए प्रॉफिट कमा सकते थे लेकिन आपने कहा जी हम 4 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, यानी 20%। जो परसीव वैल्यू है वो आपको बताती है कि आपने प्राइसिंग बेस्ड ऑन कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू कैसे करनी है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन कस्टमर के वैल्यू परसेप्शन को गेज करना एक मुश्किल काम है। इसलिए हम मल्टीपल, जैसे मैंने कहा, मेथड इस्तेमाल करते हैं कि वैल्यू परसेप्शन से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि क्या कस्टमर प्राइस पे करने के लिए तैयार है और उसके मुताबिक प्राइस को सेट करें। देन वैल्यू प्राइसिंग से मुराद परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग नहीं है। वैल्यू प्राइसिंग से मुराद ये है कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकें बाय कमिंग अप विद लो कॉस्ट। वैल्यू प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट जब आप वेस्टर्न यूरोप में जाएं तो आपको एक्सेसिवली मिलेगा, यानी कि आप कोक खरीदने जा रहे हैं तो आपको उस स्टोर ब्रांड में वैल्यू पैक मिलेगा, यानी कि अगर स्टोर की प्राइस है से 50 रुपये तो जो स्टोर का अपना ब्रांड होगा जिसे वो वैल्यू पैक कहते हैं वो 30 रुपए का होगा या 20 रुपए का होगा। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वैल्यू प्राइसिंग में। वैल्यू प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऐसी कंपनीज हैं जो एक स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू प्राइसिंग करती हैं, दिस विच इज कॉल्ड एवरीडे लो प्राइसेस। एवरीडे लो प्राइसेस या EDLP, इसको इन शॉर्ट कहा जाता है। EDLP का मकसद ये होता है कि कंज्यूमर को हम थ्रू आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कम प्राइसेस पे चीज़ें प्रोवाइड करें और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना लेके आएं। हम कोशिश करें कि जो प्राइस शॉक्स हैं उनको अब्जॉर्ब करें और कस्टमर को एक ही प्राइस पे प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करें। इसमें जब हम एवरीडे लो प्राइसेस की बात करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने सेल्स डिस्काउंट्स या सेल्स प्रमोशंस पे, एडवर्टाइजिंग पे कम से कम पैसा खर्च करें और जो पैसे की हम बचत करें उसको कंज्यूमर को लो प्राइसेस की सूरत में पहुंचाएं और उस तरह कस्टमर को फ़ायदा दें। एवरीडे लो प्राइसेस के जो प्रोपोनेंट्स हैं उनका ये कहना है कि प्राइस में लगातार चेंजेस की वजह से डिमांड जो है उसको समझना और उसको एक्यूरेटली एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है, इससे कंपनी को बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल, आप पहले तो एक प्राइस पे आते हैं, कस्टमर को बेचना शुरू करते हैं, फिर आप देखते हैं कि कस्टमर जो है वो
परचेज कर रहा है आपका प्रोडक्ट और किसी वजह से आप की प्राइस इंक्रीज आ जाती है, यानी कि मटेरियल्स महंगे मिलना शुरू हो जाते हैं, किसी भी वजह से आपकी प्राइस में हाइक आती है तो आप प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी डिमांड कम हो जाती है, फिर आप कुछ अर्सा तो वो प्राइस मेंटेन करते हैं लेकिन फिर आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। तो ओवरऑल आप कभी प्राइस इंक्रीज करते हैं, कभी प्राइस डिक्रीज करते हैं, कभी डिस्काउंट देते हैं, इस तरह आपकी डिमांड जो है उस पे बहुत इफेक्ट होता है और आप एक्यूरेटली डिमांड को मेजर नहीं कर सकते और इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान होने का अंदेशा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जिस वक्त प्राइस इंक्रीज करती है तो कस्टमर जो है वो लो प्राइसेस पे के सब्स्टिट्यूट की तरफ जाते हैं और आपकी डिमांड कम हो जाती है। इस केस में आप समझते हैं कि आपको डिस्काउंट देने चाहिए, आप डिस्काउंट देते हैं तो एकदम से आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। आप समझते हैं कि हम आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो असल में हो जो अंदर फिनोमिना प्ले कर रहा है वो ये है कि जब प्राइसेस हाई थी तो वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा था, जब आपने प्रमोशंस दी तो उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि उसको ये अंदेशा था कि ये प्राइसेस वापस चली जाएंगी क्योंकि दिस इज़ अ प्रमोशन। तो मैं बजाय के मैं महीने के से 10 यूनिट्स खरीदता हूँ इस प्रोडक्ट के, मैं 50 खरीद लेता हूँ तो मुझे 5 महीने तक मुझे सुकून रहेगा। तो उस केसेस में आपको प्रोडक्शन ओवर रन्स करने पड़ते हैं, कहीं पे शॉर्टेज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन एज सून एज वो डिस्काउंट्स ख़त्म होते हैं तो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है। इसलिए क्योंकि उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने 5 महीने का जो स्टॉक है वो खरीद लिया था, तो अगले 5 महीने आपकी सेल्स फिर डाउन रहती। आपने अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी इंक्रीज की थी, वो अब एक्सेस कैपेसिटी बन गई, जहाँ पे आप समझ रहे थे कि आपकी कैपेसिटी लैग कैपेसिटी है, यानी कि आपके पास प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स कम है, आपने वो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज की, अब आपका कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा तो आपके पास लैग कैपेसिटी आ गई, सॉरी एक्सेस कैपेसिटी आ गई। इस एक्सेस कैपेसिटी की वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर गई। इस तरह कंपनीज जो हैं अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपनी ने ये डिसाइड किया कि दे विल कम अप विद एवरीडे लो प्राइसेस, यानी कि हम एक ही प्राइस रखेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा रहे कि कस्टमर एक महीने में कितना ख़रीदता है, यानी कि प्राइस कम होने की वजह से वो एकदम से बहुत ज़्यादा बाइंग ना शुरू कर दें और प्राइस ज़्यादा होने की वजह से एकदम ख़त्म ना कर दें। एवरीडे लो प्राइसेस का एक और भी इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं जिसमें हम लोग से 10 रुपये पर मंथ चार्ज करें और ओवर 10 मंथ्स या ओवर एन ईयर हम 10 रुपये चार्ज करते हैं तो टोटल आपकी कॉस्ट होगी 120 रुपये। लेकिन जो कंपनीज एवरी डे लो प्राइसेस को फॉलो नहीं करती, कभी प्राइसेस ज़्यादा करती हैं, एक महीने में आपने 20 रुपये प्राइसेस रखते हैं फिर डिस्काउंट दे के 5 रुपये करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने अगर एक साल का कॉस्ट एस्टिमेट निकालें तो आपको 120 रुपये ही एवरेज चार्ज हो रहे हैं। यानी कि एक एवरीडे लो प्राइसेस की केस में तो आपने 10 रुपये थ्रू आउट चार्ज किया, लेकिन दूसरे केस में आप प्राइसेस को कम ज़्यादा करते रहे लेकिन नेट इफेक्ट 120 रुपये ही बन रहे हैं। कंज्यूमर जो है इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहता है, कंज्यूमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाए कूपन्स निकाले, कूपन्स को काटे और उसके बाद वो कूपन्स को क्लेम करे, फिर ये देखे कि कहाँ से चीज़ कौन सी सस्ती मिल रही है। आजकल पीपल आर टाइम स्टार्व्ड, तो उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो इस तरह प्राइस कंपैरिजंस करें। ऑन एवरेज हम लोगों ने ये देखा है कि सुपरमार्केट्स में जो चीज़ आपके सामने पड़ी होती है आप कोशिश करते हैं कि वो ही ख़रीद लें। बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो प्राइस कंपैरिजन पे डिटेल में करते हैं, तो क्योंकि टाइम स्टार्व्ड होते हैं लोग तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिनमें बहुत ज़्यादा प्राइस चेंजेस आते हैं। दे विल गो फॉर एवरी डे लो प्राइसेस, जिनका उनको पता है कि इसकी यही प्राइस है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही रहनी है।
तो इस वजह से लोग स्पेशली जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात की, शॉपिंग प्रोडक्ट्स में एवरीडे लो प्राइसेस ज़रा कम होती हैं, लेकिन जो हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं जिसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं चाहिए होता, उसमें जो एवरीडे लो प्राइसेस हैं वो बड़ी डोमिनेंटली प्ले करती हैं। लेकिन जहाँ तक बात कर रहे हैं हम एवरीडे लो प्राइसेस की, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी इसके देखने चाहिए। एवरीडे लो प्राइसेस के जो स्टॉन्च प्रोपोनेंट्स हैं वो भी ये समझते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्काउंट या कोई भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ती है। कोई भी कंपनी बिल्कुल रिलीजियसली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकती। नाउ देन इज योर गोइंग रेट प्राइसेस। गोइंग रेट प्राइसेस से मुराद हमारी ये है कि वो प्राइसेस जो मार्केट में जो रेट चल रहा है हम उसके मुताबिक अपनी प्राइसेस सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो गोइंग रेट प्राइसेस है ये स्पेशली यूज होता है कमोडिटीज में, यानी कि स्टील का ये रेट चल रहा है, वुड का जो आपकी लकड़ी इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में उसका ये रेट चल रहा है, स्टील ये जो आपका घरों में सरिया इस्तेमाल होता है या कंक्रीट या कंस्ट्रक्शन में इस तरह के जो कमोडिटी बेस्ड चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें आप ये रेट प्राइसिंग करते हैं। फिर इसी तरह जो वीट है, जो आपकी राइस है, इस किस्म की चीज़ों में आप जो कमोडिटी बेस्ड हैं जहाँ पे ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे आप गोइंग रेट प्राइसिंग करते हैं। लेकिन जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकें, जहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो रोल प्ले करे, जहाँ पे कस्टमर की जो प्रेस्टीज है वो एट स्टेक हो, यानी कि सोशल रिस्क बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे ये प्राइसिंग नहीं हो सकती। देन ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग जो है उसकी तीन किस्में हैं, लेकिन टू गिव यू अ जनरल आइडिया, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में हम जो है एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये हमें चाहिए, तो आप बिड करें। लेकिन इसके बहुत तीन तरीके हैं, हम उनको देखते हैं। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग की तीन किस्में हैं, इंग्लिश प्राइसिंग यानी इंग्लिश ऑक्शन प्राइसिंग, डच ऑक्शन प्राइसिंग एंड सील बिड्स। इंग्लिश प्राइसिंग में इस तरह होता है कि एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। सेलर क्या करता है कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट करता है कि मैं जो हूँ ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो कौन इसको खरीदना चाहता है। इस केस में हम करते ये हैं कि लोगों से बिड्स लेते हैं, जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसको प्रोडक्ट बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैमरा है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि ये कैमरा है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं और इसकी इसके लिए आप बिड कर सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं 10,000 का खरीदूंगा, कोई 15,000, 20,000, 40,000, तो जिसकी हाईएस्ट बिड होगी मैं उसको सेल कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड जो डच स्टाइल है उसमें डिफरेंट तरीके से हम बिड्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि वन सेलर है और बहुत सारे बायर हैं, या वन बायर है और बहुत सारे सेलर्स हैं। जब हम केस डिस्कस करते हैं कि वन सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, उसमें बायर ये करता है कि बायर ये कहता है कि मुझे ये प्राइस चाहिए इसकी, मैं इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बेचूंगा, यानी कि मैं बजाए के बिड्स लूँ मैं ये कहता हूँ कि मैं 50,000 का ही कैमरा बेचूंगा, और उसके बाद मैं उनसे बिड्स लेता हूँ और फिर बतदरीज मैं उसमें कमी करता जाता हूँ उसकी प्राइस में, और जहाँ पे बायर और बिडर एग्री कर जाता है वहाँ पे सेल हो जाती है। दूसरे केस में जिसमें बायर जो है वो एक होता है और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, वो ये करते हैं कि कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है
और जो जो हमें ये प्रोडक्ट दे सकता है वो अपनी बिट्स हमें दे। लोग जो है वो बिट करना शुरू करते हैं, जो लोएस्ट आपको कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वो उससे आप जो है प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म है जो मोस्टली गवर्नमेंट यूज़ करती है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी यही तरीका है, दैट इज़ सील्ड बिट्स। सील्ड बिट्स में ये होता है कि आप कहते हैं कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं, जो जो है ये चीज़ खरीदना चाहे वो अपनी सील्ड बिट्स भेज दे। या इस तरह भी हो सकता है कि हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो जो ये चीज़ ये बेच रहा है वो अपनी सील्ड बिट्स भेज दे। जैसे फॉर एग्जांपल सील्ड बिट्स खरीदने के केसेस में, जैसे OGDCL है वो सल्फर की बिडिंग करती है, यानी कि सल्फर की के लिए अगर आपने खरीदना है तो आप अपनी सील्ड बिट भेज दें, यानी कि आप किस रेट पे सल्फर OGDCL से खरीदना चाहते हैं। आपकी बिड्स जो है, जो भी आप भेजेंगे, जो भी आप रेट भेजेंगे, वो किसी दूसरे बिडर को नहीं पता होगा। सो इसलिए आप कोशिश करते हैं कि इस केस में जब आप बाइंग कर रहे हैं तो आप अपनी हाईएस्ट बिड भेजें जो आपको फिजिबल है। जिस जो हाईएस्ट बिड भेजता है उसको फिर हम सल्फर दे देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप सड़क बनवाना चाहते हैं, तब आप सेलर्स को इनवाइट करते हैं कि कौन हमें से पर स्क्वायर फुट कितने में बना के देगा। तो उस केस में जो भी लोएस्ट बिड आती है आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्शन प्राइसिंग, यानी कि आप सेलर जो है वो प्राइस करता है, कोशिश करता है कि लोएस्ट प्राइस के साथ बिड को विन करने की विन करे, और फिर उसी जो जो भी रेट तय हुआ है उसी पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें। द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, यानी कि आप फाइनल प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। फाइनल प्राइस सेलेक्ट करते वक्त आपकी कुछ कंसिडरेशंस होती हैं जिसको आपको जेन में रखना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, के अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का आपके प्राइसिंग पे क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग को देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसीव्ड क्वालिटी। अगर तो आपकी परसीव्ड क्वालिटी हाई है और आपकी एडवर्टाइजिंग भी हाई है तो आप हाईएस्ट प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी से परसीव्ड क्वालिटी लो है और एडवर्टाइजिंग हाई है तो आप जो थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परसीव्ड क्वालिटी भी लो है और आपकी एडवर्टाइजिंग भी लो है, तब चांसेस आर कि आप प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते और आपको बहुत ही एक्यूरेटली प्राइस करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ता है अपनी प्राइसिंग इन टेंडम विद अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, के आप और क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप प्रमोशंस में क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग में क्या कर रहे हैं। सो इसके मुताबिक आप अपनी प्राइसिंग करते हैं। देन कंपनी प्राइसिंग पॉलिसी, कि कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, कंपनी किस तरह जो है प्राइस करना चाहती है, कंपनी एग्रेसिव प्राइसिंग करना चाहती है, कंपनी जो है वो कम कॉस्ट के साथ आना चाहती है और अल्टीमेटली कॉस्ट लीडरशिप जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रही है। सो कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। देन गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग, गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग में हम ऐसी सेलर प्राइसिंग करता है जहाँ पे वो पार्टली या पूरा ऑल रिस्क वो अज्यूम करता है। वो जैसे बहुत सारी हाई टेक कंपनीज हैं, उनका जब आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस या कोई भी टेक सेवी सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके साथ इनहेरेंटली रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जब आप ऐसी प्राइसिंग करते हैं जहाँ पे आप पार्शली या होली रिस्क को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, देन दैट इज कॉल्ड गेन एंड शेयरिंग
प्राइसेस, देन इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन अदर पार्टीज. आपको ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि आपकी जो प्राइसिंग है उसका अफेक्ट अदर पार्टीज पे क्या होगा, यानी कि डीलर को वो कैसे अफेक्ट करेगी, होलसेलर को कैसे अफेक्ट करेगी, आपकी जो सप्लायर्स हैं या जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे ये कैसे अफेक्ट करेगी, और जितनी भी आपकी अलाइड सर्विसेज हैं उनको कैसे अफेक्ट करेगी. तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आप अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्राइसिंग. नाउ देर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल प्राइसिंग. ज्योग्राफिकल प्राइसिंग मीन्स चेंजिंग प्राइसेस बाय लोकेशन, यानी कि जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज होती जाती है आप प्राइसेस को चेंज करते जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि कुछ कंपनीज जो हैं वो प्राइसिंग करती हैं बेस्ड ऑन के आपसे कस्टमर कितना दूर है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कराची में बेस्ड है, वो कराची में और प्राइसिंग करेगी जब जैसे जैसे वो नॉर्थ को मूव करती जाएगी, क्योंकि फ्रेट इन्वॉल्व होता जाएगा, यानी कि उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो वो किराया अदा करती है, तो उस तरह वो प्राइस को इंक्रीज करती जाएगी. एट द सेम टाइम कई बार इस तरह होता है कि हम मुख्तलिफ ज्योग्राफीज में मुख्तलिफ प्राइसिंग करते हैं बेस्ड ऑन वहाँ की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल हम किसी ठंडे इलाके में आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है उसको स्टोर करने की वो कम होगी. गर्म इलाकों में ऑन द अदर हैंड हमारी यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो हम ठंडे इलाके में शायद आइसक्रीम कम सस्ती बेचें और गर्म इलाके में महंगी बेचें. देन ज्योग्राफिकल प्राइसिंग ऑल्सो बेस्ड ऑन के वहाँ की जो इनकम लेवल्स हैं. फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी में इनकम लेवल्स ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पे और प्राइसिंग करेंगे, और किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी में इनकम लेवल्स कम हैं हम उसकी प्राइसिंग किसी और तरीके की करेंगे. जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो प्राइसिंग है या डिफरेंट इंटरनेशनल पब्लिशर्स जैसे पियर्सन की प्राइसिंग है वो पाकिस्तान में और होती है और यूएसए में और होती है. पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट को सस्ते दामों बेचते हैं और यूएसए में वो एक्सपेंसिव है. सो दिस इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल प्राइसिंग. ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में हम जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं दैट इज़ बार्टर, कंपनसेशनल डील्स, बायबैक एग्रीमेंट एंड ऑफसेट्स. बार्टर मींस के बायर एंड सेलर डायरेक्टली एक्सचेंज गुड विद नो मनी और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, यानी कि आप गुड्स की बेसिस पे गुड्स ले लेते हैं और इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता. A compensation deal involves the seller receives some percentage of the payment in cash and rest in product. For example, आप कहते हैं कि हम लोग आपसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ हिस्सा हमें आप दे दें कैश में, और बाकी जो हिस्सा होगा वो जो हमने प्रोडक्ट लेना है वो हम आपसे ले लेते हैं तो हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे. जैसे अ ब्रिटिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर सोल्ड प्लेन टू ब्राज़ील फॉर 70% कैश एंड रेस्ट इन कॉफ़ी, यानी कि आप उनसे कहते हैं कि आप हम लोग अपनी, जैसे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है वो कहता है कि हम लोग आपको ये दे देंगे जहाज 70% आप पेमेंट कर दें, 30% हमारी कॉफ़ी की यूटिलाइजेशन है, या हम लोकल मार्केट में बेच लेंगे कॉफ़ी तो आप 70% पेमेंट कर दें, बाकी सारा आप हमें कॉफ़ी दे दें. अ बाय बैक अरेंजमेंट मीन्स दैट द सेलर सेल्स प्लांट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू अनदर कंट्री एंड एग्रीज टू एक्सेप्ट एज पार्शल पेमेंट इन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विद द सप्लाइड इक्विपमेंट, यानी कि हम पेमेंट इस तरह ले लेते हैं कि आप उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, और उसमें से आप ये कहते हैं कि कुछ हिस्सा तो हमें, जैसे 70% या 80% तो आप हमें कैश पे कर दें और बाकी जो 20% है वो जो आप प्रोडक्ट हमारे इक्विपमेंट से बनाएंगे हम वो ले लेंगे.
जैसे आप कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, और कहता है कि आप 60% हमें पे कर दें, बाकी 40% जो आप सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर की सूरत में हमें प्रोवाइड कर दें, जो सॉफ्टवेयर असिस्टेंस होती है उसकी सूरत में आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह के केसेस में दिस इज कॉल्ड अ बाय बैक अरेंजमेंट। ऑफसेट मीन्स दैट सेलर्स रिसीव फुल पेमेंट इन कैश बट एग्रीज टू स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द मनी इन द कंट्री विद इन अ स्टेटेड टाइम पीरियड। यानी कि आप को पेमेंट पूरी मिलती है, लेकिन जिस कंपनी से आपने वो जिस मुल्क से आपने वो पेमेंट ली होती है, आप उसमें सब्सटेंशियल अमाउंट खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पाकिस्तान में आके कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको फुल पेमेंट दी जाएगी, लेकिन आपसे कहा जाएगा कि आप जो है 60% जो मटेरियल आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो आप लोकल कंपनी से खरीदेंगे। इंडिया में ऐसी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जिसमें आपको सर्टन परसेंटेज ऑफ जो भी आपका मटेरियल्स हैं वो इंडिया से ही सोर्स करने हैं, ताकि आपकी एक अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में ही दोबारा खर्च हो जाए। आपको गवर्नमेंट पूरे पूरे पैसे देगी, लेकिन आप पे ये पाबंदी लगाएगी कि आपने से आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आप कोई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो आपसे कहेगी कि स्टील और सीमेंट आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, आपको लोकल ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आपकी कॉस्ट का एक सब्सटेंशियल हिस्सा जो है वो लोकल मार्केट्स में स्पेंड होगा। दिस इज कॉल्ड ऑफसेटिंग। ये गवर्नमेंट लेवल पे हुआ करता है। देन प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। जब हम प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं और डिफरेंट और अलाउंसेस होते हैं। डिस्काउंट में हम क्या करते हैं कि एक ओवरऑल जो प्राइस है उसमें आपको सर्टन परसेंटेज कहते हैं कि ये आपकी वेव ऑफ हम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। क्वान्टिटी डिस्काउंट में हम ये करते हैं कि अगर आप से एक खरीदेंगे तो इतने का मिलेगा, से एक आपको 10 रुपए का मिलेगा, दो जो है वो आपको 18 के मिलेंगे और तीन 25 के मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। देन इज योर फंक्शनल डिस्काउंट। फंक्शनल डिस्काउंट से हमारी मुराद ये है कि वो तमाम डिस्काउंट जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी पे हमारा स्टिकर लगा लेंगे, तो हम आपको आपकी नेक्स्ट परचेज पे या अगली 10 परचेजेस पे 5% डिस्काउंट देंगे। इस तरह ये कंपनीज करती ये हैं कि अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवाती हैं और उसको पे जो है वो डिस्काउंट की सूरत में करती हैं। देन सीजनल डिस्काउंट, यानी कि अगर आप कोई ऑफ सीजन चीज़ खरीदते हैं तो उस पर आपको सीजनल डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आप गर्मियों में स्वेटर्स खरीदते हैं तो आपको सीजनल डिस्काउंट मिलता है। देन अलाउंसेस। अलाउंसेस वो चीज़ें हैं जो आपको किसी स्पेशल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको पेमेंट्स की जाती हैं, दैट इज अलाउंसेस जो हैं वो पेमेंट्स हैं, वो एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं जो कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं ताकि रीसेलर्स को किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाया जाए। फॉर एग्जांपल, जब आप जाते हैं, आप कहते हैं कि आप अपना पुराना टीवी दें और नया टीवी लें विद विद स्पेशल डिस्काउंट ऑन इट, तो दीज आर टाइप ऑफ अलाउंसेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रमोशनल प्राइसिंग टैक्टिक्स। प्रमोशनल प्राइसिंग के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। इसमें है लॉस लीडरशिप प्राइसिंग, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, कैश रिबेट, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, लॉन्गर पेमेंट टर्म्स, वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड साइकोलॉजिकल डिस्काउंट्स। लॉस्ट लीडर प्राइसिंग में कोशिश करती हैं कंपनीज के, जैसे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, कि वो डिफरेंट कस्टमर्स को अपने स्टोर में बुलाएं बाय गिविंग देम लो प्राइसिंग ऑन सर्टन ब्रांड्स। मकसद ये होता है कि जो
स्टोर्स हैं उनमें ट्रैफिक को स्टिमुलेट किया जाए, और जब वो लोग आते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें परचेज़ करते हैं जो वो परचेज़ करने नहीं आए होते. फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि से सो एंड सो ब्रांड पे एक स्टोर ने सेल की हुई है, तो हम जाते हैं उधर से वो खरीद लेंगे. फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो आप कहते हैं कि क्योंकि मैं आया हूँ तो चलो दूसरी चीज़ें भी ले लेता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ. लॉस्ट लीडरशिप प्राइसिंग का ये मकसद होता है. स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, जब आप किसी स्पेशल इवेंट पे अपनी प्राइसिंग चेंज करें, फॉर एग्जांपल क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे, जब बाहर के मुल्कों में प्राइसेस कम कर दी जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इवेंट प्राइसिंग. देन कैश रिबेट्स, यानी कि जैसे कार कंपनीज आपको डिफरेंट किस्म के रिबेट्स देती हैं, यानी कि आपको पैसे कम आपके पैसे कम कर देती हैं बेस्ड ऑन योर परचेज, दैट इज कॉल्ड कैश रिबेट. देन लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में कंपनीज ये करती हैं कि आपकी जो आपका जो इक्विपमेंट है से आपने क्रेडिट पे लिया है एक कंपनी से, तो इंस्टेड के आप से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करें, वो नो इंटरेस्ट बेसिस पे या लो इंटरेस्ट बेसिस पे आपके प्रोडक्ट को फाइनेंस कर देती हैं. फॉर एग्जांपल, बाहर आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए आपको लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग करती हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को. अगर आप से डेल का लैपटॉप खरीदते हैं तो आप उसमें फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन है, यानी कि आप पर मंथ से $30 या $40 पे करते जाएं, विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट आपको वो प्रोवाइड कर देती हैं अपना प्रोडक्ट. देन लॉन्गर पेमेंट टर्म्स, यानी कि आपको जो पेमेंट टर्म्स हैं वो स्प्रेड कर देती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको कंपनसेट किया जाता है थ्रू वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर प्रोडक्ट की सर्विसिंग या प्रोडक्ट की मेंटेनेंस जो है वो कंपनी करती है, बहुत दफ़ा आपको वारंटीज खरीदनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप आईफोन खरीदने एप्पल स्टोर पे जाते हैं तो आप को 1 साल की वारंटी तो मिलती ही है, आप उस वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 3 ईयर्स बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट. तो ऐसे केसेस में कंपनीज क्या करती हैं कि आपको लॉन्गर वारंटीज विदाउट एनी चार्जेस प्रोवाइड कर देती हैं. देन साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि यू कम अप विद वेरी हाई प्राइस एंड देन यू व्हाट यू डू इज यू डिक्रीज द प्राइस. जैसे आपने बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा कि वाज 15,000, नाउ 6,000, यानी कि आप पहले आप कहते हैं कि इसकी प्राइस बड़ी ज़्यादा थी, नाउ वी हैव डिस्काउंटेड इट फॉर यू, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग. नाउ डिफरेंशिएटिंग प्राइसिंग, यानी कि प्राइस को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के लिए हम प्राइसिंग कम या ज़्यादा करें. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज जो है जैसे बस कंपनीज हैं, बाहर जो बस सर्विसेज हैं वो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो वो स्पेसिफिक रेट्स होते हैं उनके आम लोगों के लिए, लेकिन डिसेबल्ड लोगों के लिए उनकी कम प्राइसेस होती हैं. देन सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारे सिनेमाज हैं जो कम प्राइसेस पे टिकट देते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल सेगमेंट प्राइसिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या डिसेबल्ड पीपल हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्राइसिंग करते हैं. देन प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट प्राइसिंग करते हैं, और इसमें कोई प्रोपोर्शनल इफेक्ट नहीं होता. जैसे 500 ml की प्राइस जो है वो ₹40 होगी, और जो 1 लीटर है उसकी प्राइस ₹70 होगी. अगर प्रोपोर्शनली देखा जाए तो 1 लीटर की प्राइस जो है वो ₹80 होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई प्रोपोर्शन से बात नहीं चलती, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. देन इमेज प्राइसिंग, यानी कि आप
आपके प्रोडक्ट की कैसी इमेज है कस्टमर के माइंड में। अगर कस्टमर उसको हाईली रेट करता है तो आप इन प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। अगर इमेज जो है वो ख़राब है कि ये जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कहते हैं कि इसकी प्राइस फिर आप कम रखते हैं। देन चैनल प्राइसिंग, यानी कि आप किस चैनल से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस चैनल के मुताबिक आप अपनी प्राइसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोको कोला, अगर आप किसी फाइन डाइनिंग करने किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको महंगी मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी आम दुकान से लेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी। फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे KFC या मैकडोनल्ड्स है, उस पे आपको उसकी और प्राइस मिलेगी। ये कंपनीज जो हैं प्राइस करती हैं बेस्ड ऑन किस चैनल से आपको प्रोवाइड की जा रही है। देन लोकेशन प्राइसिंग, यानी कि आप एक ही जगह पे वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बेस्ड ऑन कि आपकी लोकेशन क्या है आपको डिफरेंट प्राइस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सिनेमा में जाते हैं, जहाँ पे आया लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा होते हैं उन सीट्स की जो है वो प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन जो सीट्स जो कस्टमर प्रेफर नहीं करते, यानी साइड्स पे हैं या बिल्कुल स्क्रीन के पास हैं, उनको कम प्राइस किया जाता है। देन टाइम प्राइसिंग, यानी कि किस टाइम पे प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। ऑफ पीक की और प्राइसेस होती हैं, ऑन पीक की और प्राइसेस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑफ पीक पे आपको कॉल मोबाइल फोन से सस्ती पड़ती है। इसी तरह बाहर के मुल्कों में जो रश आर है उसमें आपकी टिकट की प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑफ पीक होता है जब रश आर नहीं होता तो आपका ट्रेन का टिकट सस्ता होता है। देन द लास्ट थिंग इज़ यील्ड प्राइसिंग। यील्ड प्राइसिंग से मुराद वो प्राइसिंग है जिसमें आप यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस कस्टमर को कितना चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल एयरलाइन के टिकट्स आप परचेज करने जाएं तो जब आप जल्दी टिकट परचेज कर लेते हैं तो आपको सस्ता टिकट मिल जाता है। यानी 1 महीना पहले या 2 महीने पहले अपने ट्रेवल से अगर आप टिकट परचेज करते हैं तो आपको सस्ता मिलता है, लेकिन अगर आप एंड टाइम पे परचेज करते हैं तो आपको टिकट महंगा मिलता है। तो आप दीज कंपनी मैनेज द यील्ड के कितना किस पे कितना प्रॉफिट होगा और रिस्क कैसे मिनिमाइज होगा। अगर लोग पहले टिकट खरीद लेते हैं तो आपका जहाज आपको पता है कि फुल जाएगा। अगर लोग एंड टाइम पे टिकट खरीद रहे हैं तो उस पे आपको पता है कि टिकट जो है वो अब हमें महंगा करना है, इस रीज़न बींग कि आपने रिस्क जो लिया है उसको मिनिमाइज करने के लिए। यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स इन कंपनीज के पास होते हैं एंड दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, स्पेशली एयरलाइंस के केसेस में जिसमें आप प्राइसिंग अपनी डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज ट्रैप्स इन प्राइस कटिंग। ये यानी कि हमें क्या कौन से ट्रैप्स हो सकते हैं प्राइस कटिंग में। लो क्वालिटी ट्रैप, यानी कि जब आप अपनी प्राइस को कम कर रहे हैं तो कंज्यूमर ये समझता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिर गई है, तो दिस इज़ कॉल्ड लो क्वालिटी ट्रैप। देन फ्रेजाइल मार्केट शेयर ट्रैप, यानी कि मार्केट अगर आप प्राइस कम करते हैं तो आप मार्केट शेयर तो गेन कर लेंगे लेकिन लॉयल्टी गेन नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में आपकी जो जो भी आपने प्राइस कट किया है वो जैसे ही आप प्राइस दोबारा वापस आएगी तो यू विल लूज़ द मार्केट शेयर, क्योंकि आप यू हैवन क्रिएटेड द लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट। देन शेलो पॉकेट ट्रैप्स, यानी कि जब बहुत ही हाई प्राइस कंपेटिटर्स लो प्राइस के साथ आते हैं, देन दे कैन कम्पीट विद यू बट दे कैन स्टे लॉन्गर इन द कॉम्पिटिशन। वो आपके साथ ज़्यादा कम्पीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिजर्व्स, जो उनके कैश रिजर्व हैं वो ज़्यादा हैं। इस वजह से जब आप अपनी प्राइस कम करके किसी कंपेटिटर को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं तो देखना चाहिए कि वो कितना बड़ा मगरमच्छ है। यानी कि आप समझते हैं कि हम प्राइस कम करके उनको टफ कंपटीशन दे सकेंगे, हो सकता है कि वो आपको
को उससे ज़्यादा कंपटीशन दें इन टर्म्स ऑफ दे हैव बिगर पॉकेट्स और वो दे हैव मोर कैश रिजर्व्स, तो वो आपको कंपटीशन से निकालने के लिए दे आल्सो कम अप विद लो प्राइसेस और कंपीट कर सकेंगे आपसे बहुत देर तक. सो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए. देन प्राइस वॉर ट्रैप्स, यानी कि आपकी प्राइसेस कम करने की वजह से प्राइस वॉर्स ना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आप प्राइस कम करें तो उसके बाद आपका कंपेटिटर प्राइस कम करे, फिर आप कम करें फिर कंपेटिटर करें. इस तरह आप कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को कंपटीशन से निकाल सकें, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने मार्जिन इतने स्क्वीज कर देते हैं कि अगर मार्केट में कोई बैड पैच आ जाए या रिसेशन आ जाए तो सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाता है या रिवाइवल आपका मुश्किल हो जाता है. देन व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस. हम प्राइसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. प्राइस इंक्रीज करने के हमारे पास तीन चार तरीके हैं. वन इज डिलेड कोटेशन प्राइसिंग. डिलेड कोटेशन प्राइसिंग से हमारी मुराद ये है कि हम अपनी प्राइसेस को उस वक्त तक फाइनल नहीं करते जब तक हम प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर देते, यानी कि हम लोग फाइनल प्राइस उस वक्त कस्टमर को बताएंगे जब हम प्रोडक्ट या सर्विस को पूरी तरह से डिलीवर कर देंगे. देन एस्केलेटर क्लॉजेस. एस्केलेटर क्लॉजेस से मुराद हमारी ये है कि हम प्राइसेस में को फाइनल उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर ना कर दें, और जो भी बीच में एस्केलेशंस हैं जैसे इन्फ्लेशन आ रही है या हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर गई है, हम उसको उसको वो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी. देन अनबंडलिंग. अनबंडलिंग में हम ये करते हैं कि हम अपनी प्राइसेस तो नहीं चेंज करते, लेकिन जो उसके साथ सर्विसेज हैं या जो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी उनको सेपरेटली प्राइस करते हैं. और कई बार इस तरह होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं हम उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि बेसिक प्रोडक्ट की प्राइस वही रहती है लेकिन उसके साथ जो अलाइड सर्विसेज या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं हम उनकी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं. देन रिडक्शन ऑफ डिस्काउंट्स, यानी कि हम डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करते, यानी अपनी सेल्स फोर्स को प्रोहिबिट कर देते हैं कि वो किसी किस्म का प्राइस डिस्काउंट ना दें. एंड द लास्ट थिंग दैट वी वॉन्टेड टू डिस्कस इज ब्रांड लीडर रिस्पॉन्स टू कम्पेटिटिव प्राइस कट्स, यानी कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. वन इज मेंटेन द प्राइसेस. आप प्राइसेस मेंटेन करें, रीजन बींग कि आप समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है एंड सुपीरियर है. मेंटेन प्राइसेस एंड एड वैल्यू, यानी कि आप प्राइसेस मेंटेन करें और कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर दें अपने प्रोडक्ट में ताकि आप कस्टमर को ये बता सकें कि हमारी प्राइसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि हम आपको ये वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं. रिड्यूस प्राइसेस, यानी कि अगर आप समझते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते देन यू शुड रिड्यूस योर ओन प्राइसेस. देन इंक्रीज प्राइसेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज करते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. देखें, दो चीज़ों में ज़रा फ़र्क कीजिएगा कि हम वैल्यू एडिशन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इसमें थोड़ा सा फ़र्क करें. यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि एड वैल्यू, यानी कि हम कोई ऐसी चीज़ डालते हैं, कोई ऐसे फीचर्स डालते हैं, कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स में ऐसे चेंज करते हैं कि कस्टमर ये समझता है कि इट इज़ एडिंग मोर वैल्यू टू मी. और इम्प्रूविंग क्वालिटी मीन्स कि हम ओवरऑल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, यानी कि उसमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं उसकी क्वालिटी, जो उसके परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी, कन्फॉर्मेंस क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करते हैं. देन लॉन्च अ लो प्राइस फाइटर लाइन. दिस इज समथिंग विच कैन बी डन वेयर यू हैव प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, यानी कि बजाय कि आप अपनी प्राइस कम करें और अपने प्रोडक्ट की इमेज टार्निश करें, आप एक और प्रोडक्ट लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जो कंपेटिटर के प्रोडक्ट को फाइट करे. जैसे फॉर एग्जांपल, आप से सर्फ बनाते हैं, सर्फ एक्सल जो है वो हाईली प्राइस्ड है, और आप समझते हैं कि एरियल जो है वो आपका कंपेटिटर है, एरियल जो है वो प्राइस कम कर देता है.
तो जरूरी नहीं है कि सर्फ एक्सल भी प्राइस कम करे। सर्फ एक्सल क्या करता है कि ब्राइट वॉशिंग से सपोज़ेड इमेजिनरी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ब्राइट वॉश के नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है जो विच इज सपोज टू फाइट एरियल। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्च अ लो प्राइस फाइटिंग लाइन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने प्राइसिंग के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक को देखेंगे और वी विल कंटिन्यू विद एक्सप्लोरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। यू हैव अ वेरी नाइस इवनिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।